दोस्तों फिल्म पठान अपने सातवें सप्ताह भी मजबूत पकड़ बनाए हुई है, साथ ही आज यानी कि 48वें दिन भी एक अच्छी ओपनिंग ले रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों ये फिल्म इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज़ में तो अपना नाम बना ही चुकी है, जहां पर ये फिल्म अपने रिलीज के तीसरे सप्ताह भर से दोस्तों ये फिल्म लगभग नेट इंडिया भर से 505 करोड़ 85 लाख का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं दोस्तों पूरी दुनिया भर से दोस्तों करीब करीब सभी लैंग्वेजेस में तीसरे सप्ताह भर से दोस्तों ये फिल्म 970 करोड़ के आंकड़े को टच कर रही थी। साथ ही दोस्तों जैसा कि सबको पता है फिल्म पठान 25 जनवरी को पूरी दुनिया भर में हिंदी तमिल तेलुगु पूरे तीन भाषाओं के साथ 8000 स्क्रीन के साथ रिलीज की गई थी, जहां पर दोस्तों इस फिल्म में हमें नजर आए थे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, उनके साथ लीड रोल में हमें नजर आई थी दीपिका पादुकोण, साथ ही डिंपल कपाडिया, आशुतोष राणा जैसे बड़े एक्टर इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे, और विलन के रोल में हमें नजर आए थे बॉलीवुड के सुपर हैंडसम विलन जॉन अब्राहम। साथ ही दोस्तों ये फिल्म 250 करोड़ के बिग बजट में बनी थी और ये फिल्म लगभग पूरी दुनिया भर से दोस्तों आज के दिन 48वें दिन तक दोस्तों लगभग 1042 करोड़ के आंकड़े को टच कर रही है और एक महाब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। साथ ही दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड की तरफ से रणवीर कपूर की तू झूठी मैं मकार जैसी फिल्में आई हैं और अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, जिस कारण से पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये फिल्म अच्छी खासी कलेक्शन अभी भी कर रही है। दोस्तों जहां 44वें दिन फिल्म पठान का 6वां सप्ताह कंप्लीट हुआ और 44वें दिन ये फिल्म नेट इंडिया भर से दोस्तों 52 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी, जहां पर दोस्तों टोटल नेट इंडिया भर से 6वें सप्ताह कहें या फिर 44वें दिन कहें तो टोटल नेट इंडिया भर से दोस्तों सभी लैंग्वेजेस में 538 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी, जहां पर दोस्तों पूरी दुनिया भर से 1039 करोड़ के आंकड़े को टच कर रही थी। वहीं दोस्तों बात करें 45वें दिन 46वें 47वें और 48वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 45वें दिन ये फिल्म लगभग 31 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी और एक ड्रॉप देखने को मिली थी। साथ ही दोस्तों 46वें दिन शनिवार होने के कारण एक अच्छी खासी ओपनिंग मिली थी फिल्म पठान को, जहां पर दोस्तों 46वें दिन ये फिल्म लगभग 61 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी, जबकि दोस्तों 47वें दिन यानी कि संडे के दिन ये फिल्म लगभग 81 लाख का कलेक्शन कर चुकी थी। साथ ही दोस्तों बात करें 48वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो नेट इंडिया भर से दोस्तों ये फिल्म सभी भाषाओं में लगभग 30 लाख का कलेक्शन कर रही है, जहां दोस्तों ये फिल्म नेट इंडिया भर से टोटल नेट इंडिया भर से सभी भाषाओं में दोस्तों ये फिल्म 539 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन कर रही है, जहां पर दोस्तों पूरी दुनिया भर से इस फिल्म का कलेक्शन करीब करीब 1043 करोड़ 5 लाख के कलेक्शन को टच कर रही है, जहां दोस्तों ओवरसीज से 393 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जबकि ग्रॉस इंडिया से 653 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन हो रहा है। वैसे दोस्तों क्या ये फिल्म लाइफ टाइम कलेक्शन में 1060 करोड़ के आंकड़े को टच करवाएगी, आप कमेंट में जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप शाहरुख खान को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और फिल्म पठान से रिलेटेड डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हम्बल फैंस को सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।